रहमतुल्लाह वबरकातु। आज मैं आप लोगों के साथ चाय शेयर करने वाली हूँ कि जो बहुत ज़बरदस्त चाय बनने वाली हो और बहुत ही अलग किस्म की। तो चलिए पतीली मैंने रख ली हूँ, गैस को ऑन कर लेते हैं और इसमें दूध ऐड करते हैं पहले नंबर। तो मैंने गैस को चालू कर ली हूँ, अब इसमें डालते हैं हम दूध। 2 से 3 कप दूध डालना है हमें। तो ये मैं बड़े 2 से 2.5 ग्लास तक दूध ले ली हूँ। ये मैं डालना है इसके अंदर, ये थोड़े अच्छे मसाले। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये दालचीनी है, 3 से 4 लौंग है, छोटी इलायची और 2 काली मिर्च। अब चले से चाय में ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैं चाय में डाल देती हूँ। बहुत ही अलग तरीके की ये चाय बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप खुद इस तरीके की चाय को एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। डालते हैं हम अभी 2 से 3 बड़े चम्मच शक्कर। तो ये मेरी कलर वाली चाय पत्ती है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँ। आपके घर में नॉर्मली अगर जो चाय पत्ती हो तो उसे 2 से 3 चम्मच डालें। जैसे आपको पीना है, कड़क पीना है तो ज़्यादा डालें, और नॉर्मली पीना है तो आप नॉर्मल डालें। तो ये मेरी कलर वाली चाय पत्ती, इसलिए मैंने इसमें कम डाली। तो चलिए इसको उबाल आने तक का हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग की चाय का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कलर आ गया है और चाय बहुत ही जल्दी बॉयल होने वाली है। इसमें हल्का हल्का बॉयल आने वाला है। तो ये हमारी चाय उबाल आ रही है, तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो हमारी चाय गिर सकती है और हमारा किचन अच्छा भला साफ़ सुथरा गंदा हो जाएगा। तो इसे हम स्लो कर लेते हैं और स्लो करके 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू पकाते हैं। इस तरीके से हमें चलाते रहना है। सच में आप जो बाहर चाय पीते हैं ना, ढाबे वगैरह पे या होटल पे जाके चाय के टी पर स्टोर पर, तो वो आप घर पे आसानी से बना कर अपनी फैमिली को पिलाएं। बारिश का मौसम आ रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, और ऐसे मौसम में चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लुक लग रहा है, बहुत ही अच्छा, मुझे खुशबू बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो देख सकते हैं आप लोग की चाय हमारी पक रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। चढ़े से पकने देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग चाय में कितनी मोटी परत आ रही है। चाय हमारी पक के वाली हो चुकी है, अभी इसे हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। अभी हम गैस को जाकर बंद कर लें। हमारी चाय अच्छी तरह से पक चुकी है, कलर वगैरह आराम से आ चुकी है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं।